सावनेर थाना अंतर्गत सावनेर कलमेश्वर मार्ग पर स्थित कोयला खदान क्रमांक 2 के करीब सुबह 6 बजे के लगभग अवैध रूप से गोवंश का परिवहन कर रहे ट्रक का आगे का पहिया फटने से हुए हादसे में करीब 35 गोवंश की अवैध तस्करी का मामला उजागर हुआ है। सुबह सवेरे की सैर पर निकले युवा लारा बटोले व साथियों का ध्यान उक्त ट्रक हादसे पर पड़ते ही उन्होंने उक्त घटना की जानकारी सावनेर पुलिस और यातायात पुलिस के साथ ही अपने साथियों को देकर ट्रक हादसे में ट्रक में अमानुष तौर पर लदी गायों को बचाने हेतु प्रयास किए। घटना की जानकारी प्राप्त होते ही थानेदार मारुति मुलुक यातायात विभाग के योगेश छोड़ा पे रूडे हवलदार प्रकाश नांदुरकर आदि के साथ वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र नाइक ने घटनास्थल पहुंचकर गौवंश को हादसा ग्रस्त ट्रक में अमानुष रूप से लदे गौवंश को गाड़ी से नीचे उतारने में पीने के पानी और चारा आदि की सहायता कर मानवता का परिचय दिया। वहीं घटनास्थल पर पशु चिकित्सकों को बुलाकर मृत गौवंश का शव विच्छेदन कर जीवित गौवंशों का प्राथमिक इलाज कर उन्हें गौशाला रवाना किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 16 नवंबर की सुबह करीब 6 बजे टाटा कंपनी के 3118 मॉडल का ट्रक क्रमांक MH40Y7721 में 35 के करीब गौवंशों को अमानुष तरह से लाद कर कत्लखाने ले जाए जा रहे थे। उक्त वाहन का आगे का पहिया फटने से उक्त हादसा होने की घटना घटी। महाराष्ट्र राज्य की सीमा से सटे केलबत खापा पार्श्वनी सावनेर आदि मार्गों से मध्य प्रदेश से आंध्र प्रदेश अवैध रूप से गौवंशों का परिवहन होना नई बात नहीं है। पुलिस प्रशासन और सरकार कितने भी खोखले दावे कर ले, लेकिन अवैध रूप से गौवंशों की तस्करी बदस्तूर जारी है। उक्त हादसे में वाहन चालक और उसका साथी भाग निकलने में कामयाब हो गए। उक्त हादसे में मृत गौवंशों का अंतिम संस्कार और जीवित गौवंशों को गौशाला रवाना कर वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर थानेदार मारुति मुलुक के मार्गदर्शन में आगे की जांच जारी है। सुबह 6 बजे के लगभग मालूम हुआ कि एक वाहन का सामने का टायर फूटने से वो रोड से नीचे उतर गया और उसमें 35-40 के करीब गौवंश है। गौवंश के परिवहन का और गौवंश के कटने का ये कोई नया मामला नहीं है। इसके पहले भी सावनेर पुलिस गेड़ोत की उसने कुछ कार्रवाई की है, लेकिन उसके बाद में भी स्थानीय युवकों के सहायता से गौवंश की तस्करी राजस्थान और मध्य प्रदेश से बड़े पैमाने पर शुरू है। केंद्र सरकार ने पिछले बार एक बिल पारित किया था जिसमें कहा गया था कि जो भी वाहन गौवंश तस्करी में पकड़ा जाएगा वो कभी भी न्यायालय उसको छोड़ने का आदेश नहीं देगी, लेकिन ये सब मिथ्या है, झूठ है, कुछ नहीं है। रोज हजारों गौवंश अपने नागपुर जिले में सावनेर में, आज सावनेर छोटा शहर रह के यहाँ 7 से 8 गाय रोज कटती है। कामठी में करीबन 150-150 गाय वहाँ कटती है। ये जो वाहन है संभवतः हैदराबाद जा रहा था। तो ये गौवंश तस्करी जो है इसमें राजनीतिक वरदहस्त है, किस पक्ष का है किसका है हम ये इस पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन वरदहस्त राजनीतिक है, इसलिए गौवंश तस्करी शुरू रहने वाली है। देखिए कैसा है पुरातन अगर अपन संस्कृति भी देखें तो जहाँ राक्षस है मानव है तो दानव भी है। 50% अगर लोग चाहते होंगे कि गौवंश बढ़ना चाहिए, उनका हत्या नहीं होना चाहिए, कटने से बचना चाहिए, लेकिन 50% कहीं ना कहीं ऐसे असामाजिक, अपन उसमें किसी धर्म विशेष का नाम नहीं ले सकते, क्योंकि अब दूसरे भी धर्म के जो लोग हैं वो भी गौ मांस और इसका भक्षण करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस पे कभी पाबंदी लगने वाली है, ये शुरू रहेगा, एक व्यवसाय है, बहुत बड़ा व्यवसाय है जो शुरू है। सावनेर से NBCN न्यूज़ के लिए किशोर ढुंडेले की रिपोर्ट।